जैसे कि एमसीसी के विरोध में लागल छी। वास्तव में हम बारम्बार कहित आ रहल छी कि जब तक जब भी देश में राष्ट्रघात के बात आबै छै, देश बेचे वाला बात आबै छै, तो मधेस मूल के नागरिक के अग्रपंक्ति में रखे छै। लेकिन हम ई क्रांतिकारी युवा सब ई कह चाहे छी कि हम मधेसी सब कारी छी आ देश बेचुआ आ राष्ट्रघाती पर भारी छी। वास्तव में जब भी देश बेचे वाला काम होइ छै तो बाहर मूल के भी शासक वर्ग और मधेस मूल के अग्रपंक्ति में रहे वाला नेता सबके मिली मतों में हो छै। लेकिन ओकर परिणाम और ओकर दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ आम मधेसी जन समुदाय और जनता के भोगे पड़ै छै। जै के हम सब सशक्त प्रतिकार करै छी और हम एमसीसी प्रतिकार समूह सब तराईवासी मूल नेपाल धार के नेपाली नागरिक नेपाल राष्ट्रीयता के माने वाला जै में मधेस लगायत देश के अन्य भाग भी पड़ै छै। और हम सब जैसे कि निरंतर राष्ट्रघाट सबके सावधानी करबैत आ रहल छी। वास्तव में एमसीसी पारित भेल की भऽ सकैए। अभी अपना देश में बहुत एहन आंतरिक मुद्दा है जेकर समाधान करे पड़त। नागरिकता के इश्यू समाधान न भेलै अभी तक। ओहि पर नेता सबके विचार करे के चाही कि संसद के तुम कार्यसूची बनाबै छी सब तऽ की करै छै कि जैसे कि नागरिकता के इश्यू देश के इंटरनल इश्यू सब है जेकरा कार्यसूची के पथारी में राखि के और डलरे खेती विदेशी के हस्तक्षेप में विदेशी के प्रभाव में आकर और जो अपन सबके एजेंडा छै जो राष्ट्र लेवल के मुद्दा छै जेकरा ओझेल में पार के और डलरे खेती कर छै। हम युवा सब एकरा सशक्त प्रतिकार करी छै और सावधान। अब हम एगो चीज कह चाहे छी कि मधेस के युवा अब जागरूक भ चुकल है। कोनो एगो पार्टी के नेता चाहे तो उपेंद्र यादव होय, महन ठाकुर होय, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के नेता केपी ओली प्रचंड, चाहे शेरबहादुर देउआ होय, जे कहतै पहले लेखा मधेस के युवा सब ठग लेबे से नहीं है। युवा सब सचेत भ गेल है, शिक्षित भ गेल है। अभी के युवा प्रत्येक चीज में परफेक्ट छै, राष्ट्रवादियों ओकरा सब में परफेक्ट छै और वही परफेक्शन के देखावे के स्वरूप हम सब एगो आई मॉडल स्वरूप एगो आई नाटक के प्रस्तुत के लिए और जैसे कि हमरा सबके प्रतिरोध कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। जब तक फातिमा नेपाल से बाहर न आते तब तक हम निरंतर और मधेस के जो काला दिवस है हम सब निरंतर मनाबे जा रहल छी, फिर से मनाबे हमरा सबके लागी मधेसी के लागी। वास्तव में संविधान एगो जैसे कि जै दिन घोषणा भेलै तै दिन हमरा सबके मधेसी दादू भाई के गोली मार के जैसे कि घोषणा कल। लेकिन अगर बाहरी हस्तक्षेपकारी जे कहती हमरा इंटरनल मामला में हमरा मधेस के इंटरनल इश्यू होय चाहे हमरा देश के इंटरनल इश्यू होय वही के आधार बना के अब संविधान के मिस देबै तो हम सब कदापि बर्दाश्त नहीं। हमरा भाई भाई के झगड़ा है हम सब सुलझाबै देश में रह के सब और हम सब चाहे कोई चीज के संविधान के कुछ आदमी स्वीकार ले छै नहीं स्वीकार ले छै संशोधन से ले देबै की करब पड़तै से हम सब अपना इंटरनल घर के बातें हम सब मिलबै। लेकिन विदेशी के हस्तक्षेप संविधान पर संसद पर चाहे देश पर भवन पर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिव यादव और सिरहा सुखीपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2। एमसीसी लाइव का देश में साँचे कि देश के विकास करे ला चाहे कि देश के समृद्ध करे ला चाहे हमर घर से कल के अगारी नजदीक में जनकपुर के चुरबोट कारखाना पड़े कि जनकपुर के चुरबोट कारखाना में अति जे देश विकास करे ला चाहते अति जे देश के रोजगार के समाधान करे ला चाहते रोजगारी दै ला चाहते तो वही चुरबोट कारखाना में कि दलाल नेता और अपन दलाली करे ला अड्डा बनेतै। अभी वही चुरबोट कारखाना में जे हजारों गरीब दुखी गरीब जे अपन पेट पाले चलेगा पेट पाल कर धात भूख करे चलेगा वही के नेता सब अपन अड्डा है बनोने अपन दलाली करे ले तो चुरट कारखाना के कि वो चुरट कारखाना फेन संचालन में नहीं आ सके कल ने संचालन में लबे देश विकास के नाम पर सब गरीबी से गरीब जनता से खेल रहा है गरीबी के पेट पर लात मार रहा है विकास के नाम पर डॉलर खाए के लागी डॉलर भी दिया है। हम आगे अपन करे ला चाहे छी देश विकास करे ला साथो चाहते तो ई देश पानी के दुवान में पड़ल है। लेकिन तब अहाँ के घर में कि पानी के धारा में पानी जाइए अगर कैले नहीं जाइए पानी के देश तो धनिक देश है लेकिन अहाँ के धारा में पानी कैले नहीं जाइए वही के कौन दोष है। अहाँ के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नीक से पढ़ैया अहाँ के स्वास्थ्य ठीक से उपचार होइए तो ई सब के समाधान कहिया हेतै। यदि देश विकास करे ला चाहते तो ओहो सब के संविधान ओहो सब के समाधान भेल रहते कि डॉलर लग मात्र विकास नहीं हेतै ई सब एक डॉलर खेती करते देश के बेचे ला संविधान के बेचे ला नेपाल आमा के बेचे ला चाहे
से हम जानकारी करे चाहब देखियो जनकपुर के चूरोट कारखाना अखन दलाल सब अपन अड्डा बना के मजा से लूट रहे जैसे हजारों गरीब दुखी अपन पेट पाले चले गए हजारों के नौकरी चले गए हजारों के रोजगार चले गए अखन सबके पेट पर लाइव लात मारे सब अखन अपन राजनीतिक अड्डा बनू कहो तो देश विकास है कि देश बेरोजगार से विकास हेतु सब दिन नेपाली युवा सब विदेश में कते दिन काम करते कते दिन कमेते हुए दुए हजार युवा काम करे चले लेकिन अपन गरीबी के दुख सुख अपना देश में अपन नेपाल में रहकर पेट का पाले चले गए ते द्वारे कहा देश विकास ले देश बेचे ला चाहे ये सब नेपाली युवा के रोड में आवे के एकदम अति आवश्यक म लास होइन छु बस्न सक्छु म जिउँदो मान्छे हुँ त्यसैले बोल्छु म लास होइन छु बस्न सक्छु जिउँदो मान्छे हुँ त्यसैले म बोल्छु जुन बेला हाम्रो देशमा एमसिसी पारित हुन्छ त्यो बेला हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउन जान्छ हामी नेपालीहरू आफ्नै देशमा गुलाबीको जीवन जिउन विवश हुन्छौँ इतिहासको पाटो म यता हेराउन चाहन्छु जुन